बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग? हाँ जी, तो आज है मेरी छुट्टी, आज मेरी एनिवर्सरी का दिन है तो मेरी छुट्टी है। दिल ने बिल्कुल मना किया था ऑफिस में ना जाना, ऑफिस में ना देखना, और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। मेरा हशर देखो, आईब्रोज तक नहीं बनवाई है मैंने एनिवर्सरी पे भी, और बस मैं ऑफिस में एक चक्कर लगाने के लिए आई थी और चक्कर लगा के अब जा रही हूँ। ये देखो जी, आगा नूर कुछ रीस्टॉक हमारा हुआ था, जो ये पड़ा हुआ है ये बंडल्स बनेंगे, अभी पार्सल बन रहे हैं, ये सारे स्टॉक बुकिंग का है, ये वाला स्टॉक बुकिंग का है खुदा के लिए। तो मैं अपना सूट भी स्टिच नहीं करा सकी। ये देखो अगरनूर की कुर्ती पहनी हुई हूँ इस वक्त, और बड़ी ख्वाहिश थी और बड़ी दिल से ख्वाहिश थी कि अपना कुछ अच्छा सा स्टिच कराऊंगी अपनी एनिवर्सरी पे, वो भी नहीं कराया। अच्छा, जिन लड़कियों को थी इन दुपट्टों की इंतजार, ये आ गए हैं दुपट्टे। ये देखो, ये आ गए हैं अगरनूर के पल्स वाले दुपट्टे। अभी कॉपीराइट क्लेम डाल देंगे। खैर, बहरहाल इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी आप लोगों को अपडेट करती रहूं कहां कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं। ऑफिस सिर्फ और सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए खड़े खड़े से आई थी। मैंने कहा ऑफिस में देख लूं, शामिक को देख लूं, स्टाफ अनफिट चल रहा है जैसे कि आप लोगों को पता है। तकरीबन ये सिलसिला को एक हफ्ता गुजर चुका है, एक हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है। अभी इसने जो हमें खराब खराब गाने परसों सुनाए थे, आज भी चला रहा है, इसमें इतना हौसला है, इसके खुद का पेट खराब हो गया है। तो मैं भी यही बोल रही थी, जब इतने खराब गाने सुनाएगा तो असर अंदाज, जब शामिक और मैंने मजबूत दिली से सुन लिए लेकिन हमारी भी तबीयतों पे असर पड़ा इसके गाने सुनकर, तो उसकी तो पढ़ना ही है, देखो कितना सा है वो, तो उसका पेट खराब हो गया है। तो ये पेट खराब होने की निशानी, वैसे होने हमारे इसने कान खराब किए और इसका हो गया पेट खराब। वजह ये कि कहीं ना कहीं तो असर पड़ना था, गानों की आवाज इसके कानों में भी आ रही थी ना, और ये इतने बड़े दिल का मालिक है, आज भी शामिक को वही गाने सुना। मैं तो आज नहीं हूँ, आज भी शामिक को वही गाने सुना रहा है। नान सुने इसके गाने? फौरन लगाया इसने, आज लगा था ये वाले गाने, एक आध बंदा मार देगा ये। इस पे नजर रखो भाई, पता नहीं कौन कौन से गाने चुन के लेकर आता है। खैर बहरहाल इसकी भी तबीयत खराब चल रही है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी और जहां जहां जाती रहूंगी कोशिश पूरी करूंगी। अगर अदील ने बड़ी बड़ी आंखें निभारी, मैंने अदील का नाम रखा फटी आंख। मैंने अदील का नाम रख दिया फटी आंख। मैंने कहा आपकी ऑलरेडी आपका वो हिसाब है, फटी आंख है और आप उसको फाड़ लेते हैं गुस्से में, तो ये कि अगर उन्होंने आंखें नहीं फाड़ी तौबा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी कहां कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं। हालांकि ये कॉम्बो जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अदनान ने निकाला है इस कुर्ती के साथ, क्या करे। तो मुझे लेकिन ये दुपट्टा बड़ा अच्छा लग रहा है, दुपट्टा ना जरा बैक से दिखाना अदनान, थोड़ा सा बैक कैमरा यूं पकड़ो अदनान, थोड़ा दूर से पकड़ो क्योंकि बैक कैमरा नहीं हो सकता। ये देखो जी, ये इस कुर्ती के साथ वैसे तो मैच नहीं हो रहा, ये वाला दुपट्टा अच्छा लग रहा अदनान, लेकिन ये अदनान की फर्शी वाला अच्छा। ये देखो आगरनूर की वाली कुर्तियां आई थी, खत्म हो गई है, इसका ऑर्डर मत देना, ये वाली खत्म हो चुकी है बिल्कुल। ये सारा भी स्टॉक बुकिंग का है, इंटरनेशनल बुकिंग का है। कुछ कुर्तियां दो चार पड़ी होंगी, दो चार साइजेस है ना, दो चार पड़ी होंगी, दो चार मिल जाएंगी, ठीक है। और ये वाला डिजाइन तो खत्म हो चुका है, ये कम्प्लीट खत्म हो चुका है, और इस वीडियो के बाद इसके ऑर्डर मजीद लगने वाले। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, स्टाफ के साथ कॉपरेट कीजिएगा, कॉल्स आप लोग करते रहिएगा, जो जो लोग पेमेंट लगा रहे हैं ना, जिन जिनकी पेमेंट लग जाएगी वो लोग कॉल करते रहिएगा, स्टाफ कॉल रिसीव करेगा, कॉल्स लेते रहना, पेमेंट जिन जिनकी लग रही है, जिनके पार्सल्स बने हुए हैं, और अगर उन्होंने पेमेंट नहीं लगाई, स्पेशली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट से। देखो बात ये होती है कि जिनका आगरनूर का स्टॉक है उनको एडवांस पेमेंट पहली फुर्सत में लगानी है, आगरनूर आते ही खत्म हो जाता है। अब ये जो आते ही खत्म हो जाता है यार, ये आगरनूर वाले मेरा वेट नहीं करते ना, उनको मैं एडवांस पे देकर उठाती हूँ, दो महीने पहले मेरी पेमेंट जाती है उनके पास, देन वो मुझे स्टॉक देते हैं, और जब वो मुझे स्टॉक देते हैं तो वो वेट नहीं करते। सो प्लीज प्लीज, मेरी पेमेंट दो महीने से और होल्ड होती है सिर्फ इसलिए, और आप लोगों को पता है मेरा 25-50 का प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसमें मेरे लाखों रुपए की पेमेंट बॉन्ड हुई होती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने आगरनूर लिया उसके अलावा भी, आगरनूर के अलावा भी जिन लोगों की पेमेंट है, प्लीज ड्यूज क्लियर कीजिए, ताकि मैं अपना आगे हाथ चलाऊं। सीजन तैयार है हमारा, सीजन खड़ा हुआ है, हमें अच्छी अच्छी चीजें अच्छे अच्छे रेटों में लेकर आनी है। अगर आप चाहते हैं मैं यही रेट आप लोगों को प्रोवाइड करूं, यही रेटों में स्टॉक लेकर आऊं, ये सारे रेटों में लेकर आऊं, देखो आज एनिवर्सरी के दिन अदील लगा था, काम की कोई बात नहीं, और काम के अलावा मेरे पास कोई बात नहीं होती। तो बहरहाल अगर आप लोग चाहते हो मैं ये स्टॉक लेकर आती रहूं, तो प्लीज प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेमेंट्स ड्यूज क्लियर कीजिए प्लीज। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि बिजनेस चल रहा है माशाल्लाह, काम चल रहा है, तो आप कर सकते हो, आप दे दोगे? मेरे एक आध क्लाइंट नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह, लाखों की तादाद में क्लाइंट्स हैं और हजारों की तादाद में जो है ना मुझे ये सिस्टम चलाना पड़ता है, लेकिन मेरे जो पीछे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं डील करती हूँ, वो किसी के लिए नहीं रुकते, उनके लिए बेशक कराची में बकौल उनके अल्लाह के हुक्म से हम सबसे बड़े क्लाइंट, मतलब सबसे ज्यादा बाइंग हमारी होती है, सबसे ज्यादा स्टॉक हमारे पास आता है। बट कितना अच्छा लग रहा है दम तुम पकड़ के, मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसे ही होगा अगली बार,
ये जो मैं यूं पकड़ती हूँ अब नहीं होगा, दोनों तरफ लोटे यहाँ पार्सल है या मोबाइल है ये रख दो। तो बहरहाल ये दुपट्टा मिल गया, उनका पेमेंट लगा इन्होंने, 3 गज मांग रही थी, 2.5 गज था, ओके करा के दे दिया मैंने। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बहरहाल वो जो है ना, तो बहरहाल आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेमेंट्स लगाइए। महीने की क्लोजिंग हम लोगों को करनी होती है, मंथ की क्लोजिंग, ये 28 का मंथ है और इसमें हमें क्लोजिंग करनी होती है। आप लोगों की वजह से हमारी क्लोजिंग रुकी हुई रहती है। तो देख लिया, दिल की आवाज आ गई, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाद में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।